हेलो। हाँ मेरी प्यारी बेटी, आज मैं पक्का अपनी बेटी के लिए कलर्स लेके आऊँगा। मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आएगी इंशाल्लाह। हाँ मैं आज लेके आऊँगा, आज मेरे पास पैसे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर लेके आऊँगा ये चीज़ें, ठीक है? आजो अब्दुल मां झूले लेने चलते हैं। भाई क्या है अब्दुल मां, ये तो किसी के पैसे हैं। मर भाई किसकी पैसे हैं? पता नहीं अब्दुल मां, पता नहीं किसके गिर गए पैसे। पैसे? कौन से पैसे? किसके पैसों की बात हो रही है इधर? लगता है इन बच्चों को पैसे मिले हैं। बड़ा मुझे दिखाओ पैसे। इन बच्चों को तो पैसे मिले हैं। अब मुरमा, अब हम इन पैसों का क्या करें? I think मुरमा, हम देखते हैं किसके पैसे हैं। ठीक है अब मुरमा, आओ ढूंढते हैं किसके पैसे हैं, फिर उनको वापिस दे देंगे। क्या आइडिया मुरमा? क्या वापिस कर देंगे पैसे? ऐसे कैसे वापिस कर देंगे पैसे? नीचे गिरे हुए पैसे वापस करने के लिए थोड़ी होते हैं। इन बच्चों को कौन रोकेगा अब? ये तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, और अच्छा काम करने से रोकना सिर्फ और सिर्फ शैतान का काम होता है। इससे पहले कि ये बच्चे ढूंढ ले कि ये पैसे उस आदमी के हैं, शैतान इनको रोक, वरना ये पैसे वापस करके अच्छा काम करेंगे। हाँ काम तो इस दुनिया में मैंने किसी को नहीं करने देना। चल जाके इनको रोक। मरो मरो, रुको मैं आता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया अब्दुल रहमान, पता नहीं कहाँ चला गया अब्दुल रहमान। मरवा मैं तो ये शर्ट पहने गया था। अब्दुल रहमान चलो, हमें ढूंढना भी है ये पैसे किसके हैं। ओके मरो चल चलते हैं। चलो चले अब्दुल रहमान। अब देखना मैं इन दोनों का रास्ता कैसे रोकती हूँ, ऐसे कैसे ये अच्छा काम करने जा सकते हैं जबकि मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है। मैं इस दुनिया में अच्छा काम इतनी आसानी से नहीं करने दूंगी सबको। चल के रस्ते में रुकावट, इसी को कहते हैं शैतान ने रास्ता रोक दिया। अब मैं तुम दोनों का ज़हन बदल दूंगी और तुम दोनों अच्छा काम करने से रुक जाओगे। चलो बच्चों, क्या करना है ये पैसे वापस देके? अपने पास रखो पैसे, चीजें खाओ इन पैसों की। बहुत दर्द हो रही है अब्दुल मां। चल मरवा मैं आपको खाता हूँ। चलो अब्दुल रहमान जाके पैसे वापिस कर कर आए। जाओ इन पैसों को अपने ऊपर खर्च करो, जाके उल्टी सीधी चीजें खरीदो और वो खाओ ताकि तुम लोग बीमार हो जाओ। रुको मरवा, क्या हुआ अब्दुल रहमान? मरवा मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो अब्दुल रहमान? हमें पैसों की चीज खा ले, अब मजा आएगा। क्या? नहीं मरवा, हम पैसों से चीज खाते हैं, बहुत मजा आएगा, आइसक्रीम लेंगे। अब्दुल रहमान ये तो इतना अच्छा आइडिया है, वैसे भी किसी को पता भी नहीं चलेगा ये पैसे हमारे हैं। हमें मीठे से मिले हैं। चलो मरवा मार्केट चले। चलो अब्दुल रहमान अब चलते हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। अब तुम लोगों ने शैतान की बात मानी है, शैतान तुम लोगों से खुश हुआ।
हाँ मेरी प्यारी बेटी, कल एग्जाम है, मैं अपनी बेटी को कलर ला के दूंगा तो क्लास में टॉप करेगी, तो मेरा नाम रोशन होगा। चलो मैं जाके उसके लिए कलर ले आता हूँ। हैं मेरे पैसे कहाँ गिर गए? मेरे पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो जेब में रखे थे पैसे, कहाँ चले गए मेरे पैसे? कहाँ गए मेरे पैसे? मैंने तो खुद रखे थे अपनी पॉकेट में, कहाँ गिर गए मेरे पैसे? कहाँ गए मेरे पैसे? कि नीचे तो नहीं गिर गए मेरे पैसे? मुझे ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ गए? ओ या अल्लाह, मेरे पैसे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? जहाँ जहाँ से आया था वहीं से जाके देखता हूँ, कहाँ चले गए मेरे पैसे? मैंने तो अपनी बच्ची के लिए कलर लेने थे रे। अब्दुर्रहमान, मैं तो ना रेनबो आइसक्रीम लूंगी। मैं तो बहुत अच्छी सी रेनबो आइसक्रीम लूंगी। चल शैतान, जाके देख ये बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही इन बच्चों की। अरे बच्चों, तुम लोग उस तरफ क्या कर रहे हो? कहाँ चले गए मेरे पैसे? समझ नहीं आ रही। मैं अपनी बेटी के लिए कलर्स कैसे लेके जाऊंगा? अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? कहाँ गिरा दिए मैंने अपने पैसे? अगर मैंने अपनी बेटी को कलर ना लेके दिए तो वो क्लास में सबसे पीछे रह जाएगी, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। उफ़, कहाँ गुम कर दिए मैंने अपने पैसे? अब्दुर्रहमान, इसको मतलब के अंकल के पैसे थे ये? जी मरवा, और हम अंकल के पैसों से चीज लेने जा रहे थे। अब से क्या रही हो मरवा? अगर हम अंकल को पैसे नहीं देंगे तो उनकी बेटी स्कूल में फेल हो जाएगी। ये तो बुरी बात है। जी अब्दुर्रहमान, हमने इतना बुरा किया। अब्दुर्रहमान चलो अंकल को पैसे वापस करके आते हैं और सॉरी भी कर देते हैं। ठीक है मरवा। क्या कर रहे हो बच्चों? मुझे तुम लोग की समझ नहीं आ रही। चलो अब्दुर्रहमान अंकल के पास चलते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। अंकल, क्या बात है बच्चों? अंकल ये आपके पैसे। अरे हाँ, ये तो मेरे पैसे हैं। आपको कहाँ से मिले? हमें आपके पैसे वहाँ गिरे हुए मिले थे। तुम लोग उसके पास क्या कर रहे हो? फिर बैठ के देखती हूँ। ये लो अंकल आपके पैसे। शुक्रिया बच्चों, आपने, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू अंकल। बहुत प्यारे बच्चे हो आप दोनों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू अंकल। अरे बच्चों, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? बर्बाद कर दिया इस शैतान को। इतनी मेहनत से मैंने तुम लोगों का रास्ता रोका था, तुम लोगों ने जाके उसके पैसे वापस कर दिए। शैतान को गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। समझ आ गई है, जब ये दोनों बहन भाई एक साथ होते हैं तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और ये शैतान की बातों में भी नहीं आते। अब मैं तुम दोनों को अकेले अकेले टारगेट करूंगी। तुम लोग देखते ही रह जाओगे, शैतान ऐसे ऐसे प्लान बनाएगा कि तुम लोगों के आंसू निकलेंगे, रोगे तुम लोग और याद करोगे शैतान को। नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सहरेश एंड दिस इज लुकमान फ्रॉम दुबई। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज, बाय।